और दोस्तों जो न्यू प्लांटेशन किया है एलिमो का, तो जहाँ पर हमने ड्रिप लगा दी थी वहाँ पर जो पौधों की कंडीशन बहुत ही शानदार है, और जहाँ पर ड्रिप नहीं है वहाँ पर पौधे बहुत ही मुरझा गए हैं, तो उनके भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। और जो गर्मी वाले फल हैं उनकी साइज़ भी थोड़ी अच्छी हो गई है, जो आपको हम सही से दिखा सकेंगे अब। तो दोस्तों इस प्रकार की साइज़ हो गई है गर्मी वाले फल की, ये देखिए। तो जो गर्मी वाला फल है उसकी क्वालिटी हम बहुत ही शानदार करेंगे। दोस्तों कुछ एलिमो प्लांट हमने यहाँ पर लगाए थे, लेकिन यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है इनको, तो बिल्कुल कंप्लीट चल रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी ड्रिप नहीं है, लेकिन पानी की हमने बिल्कुल भी कमी नहीं रखी, इस कारण जो प्लांट है बहुत ही शानदार है। स्वागत दोस्तों एलएम वैदिक फार्म में। तो अभी मौजूद है 4 साल के ऑरेंज बगीचे में, और 4 साल के ऑरेंज बगीचे में जो गर्मी वाला फल है वो भी अच्छा है, ठंड वाला फल भी है। तो बहुत दिन हो गए बरसात नहीं हो रही है, तो जल्द ही बगीचे में जो ड्रिप चालू कर दी जाएगी, तो आधे बगीचे में ड्रिप चालू है और आधे बगीचे में ड्रिप बंद है, तो ड्रिप चालू कर दी जाएगी। तो पानी की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही शानदार जो फ्लावरिंग हुई थी तो फल बहुत ही शानदार है पौधों पर, तो इस कारण जल्द ही ड्रिप चालू कर दी जाएगी। और जो ठंड वाला जो फल है वो भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है अभी फ़िलहाल, ये आप देख सकते हैं अंबिया बहार। तो इन पर ठंड वाला फल भी है, और जिन पर ठंड वाला फल है उन पर गर्मी वाला फल भी है।